हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज है यहाँ का सेकंड ब्लॉग, स्वीट पोटैटो। ये हो रहा है, मम्मी कर रही है अपना काम और यहाँ पे मम्मी जो है पैक कर रही है नायाब शादाब को भेजने के लिए। तो ये है सेबई, जो कि है सूजी और मैदा की, और आटा वगैरह का भी बनवाई थी तो यहाँ पैक कर रही हैं। और यहाँ पे जो है सत्तू को मम्मी चांदी थी और इसे भी पैक कर रही हैं। और कल मॉर्निंग जाने वाली थी खाला दिल्ली, तो उन्हीं के हाथ भिजवाएंगी नायाब शादाब के पास सरसों। और ये मुझे ले जाना है, तो यहाँ पे बस थोड़ा सा क्लीनिंग हो रहा है, सफाई, आज एकदम क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है। ओके, तो हमारा एक पार्सल था रिटर्न होना, तो यहाँ पे आ गए थे लेने के लिए और यहाँ रिटर्न हो चुका है एक पार्सल। और यहाँ पे आई थी बुआ जी, तो बस यहाँ पे चाय वगैरह हम लोग बना रहे थे और चाय को एंजॉय करेंगे हम। शाम हो चुकी थी ऑलमोस्ट, और फिर हो गया था डिनर टाइम। तो आज बनना था दाल भर की पूरी, तो मम्मी को बोला दाल भर की पूरी बनाइए, तो बस यहाँ पे मम्मी बना दी थी। और ये नेक्स्ट डे का है जो कि स्टार्ट हुआ है। मम्मी को बेल पसंद तो है नहीं, बट फिर भी खा रही थी। और यहाँ पे आज बनने वाला था पनीर की सब्ज़ी, तो बस पनीर की सब्ज़ी बनाना था मेरी सिस्टर को, बट वो बोली नहीं आप ही बनाइए, तो चलो आज हम पनीर की सब्ज़ी बनाएंगे। तो ये जो वीडियो यहाँ से है, ये पूरा फुल प्रोसेस है कि हमने कैसे बनाया है सब्ज़ी को, तो आप लोग को ज़रूर अच्छा लगेगा। कीप वॉचिंग। टमाटर हम दिए टमाटर। तो यहाँ जुगनू जो मेरी सिस्टर है वो सारा कुछ एक्स्ट्रा काम है वो कर रही थी। यहाँ पे हमने पनीर को फ्राई किया है, और ये देखिए पनीर यहाँ फ्राई हो रहा है। तो यहाँ पे जो है ये प्याज और लहसुन और थोड़ा सा मैंने काजू भी ऐड किया था, और जो भी बेसिक मसाला है वो सारे को मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। स्वाद अनुसार नमक दे दीजिए, हल्दी वगैरह जो भी है। यहाँ हो रहा है पनीर फ्राई, और ये गर्म पानी हल्का सा भूना उसमें डाल देंगे, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, और उसमें थोड़ा नमक डाल दिया है। मीडियम फ्राई करेंगे, ये हल्का सा पानी है ये इसमें जाएगा, और जो बचा हुआ है वो भी फ्राई करें। ये है टमाटो प्यूरी, और यहाँ पे ये सारा मसाला हमने पीस लिया है। अब जाएगा इसमें जुगनू, फ्राई कर दी आग बना, ये बनने वाला है। बोले पनीर तुम बनाओ, कैसे बनता है लड़की बना नहीं रही है, तो ये खुद बनाओ, सीखो कैसे बनता है। इतना फ्राई कर हल्का गर्म पानी में रख लिए, थोड़ा मुलायम हो जाएगा नमक और थोड़ा उसमें चला जाएगा, इसको बहुत जलाना नहीं है, समझ गए। नहीं गरम मसाला नहीं पीसा हुआ दीजिए ना, और हम धनिया पत्ता है थोड़ा सा हल्का सा वहाँ पर पन्नी में, ये जो हो गया है उसको निकाल लेंगे। एक पैकेट बना रहे हम लोग चार ही लोग हैं। अब इसमें जाएगा जीरा और हरी मिर्च। कहाँ जा रहे हैं आप, घूमने जा रहे हैं क्या? मतलब हमको बनाने गिरा दिए घूम रहे हैं। जाएगा अब मसाला, ये हो गया फ्राई, जाएगा सारा मसाला इस और इतना से फ्राई कर दें पानी थोड़ा सा। मैंने सब ग्रेवी बनाना है ना, मैं पनीर वही बना, उसको थोड़ा अच्छे से पका लेंगे। ये थोड़ा सा फ्राई हो रहा है, मतलब 5 मिनट लगेगा, उसके बाद इसमें हम डाल देंगे टमाटर का। यहाँ हो रही है शादी, बाहर में बहुत अजान आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, और दिखाते हैं आपको। यहाँ हो रही है शादी और ये आसान ये मस्जिद हो जाएगा हम लोग से। अब यहाँ हो गया खाली, यहाँ दूसरा कुछ आएगा।
यहाँ लग गया बेड, दो बेड लग गया। काम पे लग जाओ। मम्मी ये कर रही है। यहाँ कल आने वाले हैं कोई गेस्ट, तो हो रहा है तैयारी। जुगनू आज तुम सो सकती है यहाँ पे, बेडशीट हो जाएगा। ए मम्मी इतना बड़ा पोछा, तू बेडशीट आराम से हो जाएगा, हो जाएगा। वो वाला जो आएगा सुपर। हाँ हम लोग जो बेडशीट लाए हैं ना पिए था, यहाँ बिछेगा बेडशीट। और ये कूलर के बिना चल नहीं रहा है, इतना गर्मी, फैन बहुत गर्म हो जा रहा है। क्या रे देख, फेस से लग रहा है कि गर्मी है। गर्मी तो बहुत है बिहार में, 41-42 दिन में, अभी थोड़ा सा कम हुआ। और यहाँ अभी मेरा मसाला ही भुंज रहा है, थोड़ा टाइम लगता है पनीर वनीर की सब्जी में मसाला भुनने में, बनाता है तो टेस्ट बनता है। अभी इसको और ढक दे 10 मिनट, ऐसे ही पकता रहेगा। तब तक इधर काम हो रहा है, यहाँ पे चलते हैं। ये नया बेडशीट लिए थे लेकिन इधर कम हो गया है उधर ज्यादा। क्वीन साइज है बट सुपर किंग हो जाएगा, किंग साइज या सुपर किंग साइज हो जाएगा ना रे। अब कल बिछाइएगा ही, आज ऐसे से पूछते हैं कि कौन आने वाला है। मम्मी इतना तैयारी हो रहा है, कौन आने वाले है? कौन? मेरे दामाद। मम्मी के दामाद आने वाले हैं। कहाँ से आने वाले हैं आपके दामाद? पूर्णिया से। अरे मम्मी का रूम है और वो मेरा रूम है। क्या रे नायब सदाफ का कोई रूम नहीं है। सही खाना है ना अपन। मम्मी पानी भरना होगा, यहाँ भरना होगा पानी क्योंकि है बहुत गर्मी। डरे काम नहीं चलेगा, सो सकेंगे थोड़ा सा। दो बाल्टी लाए, एक बाल्टी भर चुके हैं, एक बाल्टी फिर सोएंगे, रात हो गई है। यहाँ पानी भर गया है और सोना है। बिहार में बहुत ज़्यादा गर्मी है, लगभग दिन में 42 डिग्री रहता है और अभी 35 अप्रॉक्स, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। अगर ये फैन चलता है तो गर्मी लगती है क्योंकि इसके ऊपर फ्लोर है नहीं, तो चलाएं पानी डालें कूलर में। तो आज के ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।